शहर में शुक्रवार को एक और जहां ईद की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त चप्पी चप्पी पर तैनात था। उसी बीच तड़ीपार कुख्यात आरोपी शानू नासिर खान की सरेआम दो आरोपियों ने हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में संशयास्पद आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं व आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक तड़ीपार आरोपी शानू नासिर खान को ईद के दिन शुक्रवार को दो आरोपियों ने दिन दहाड़े हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। एक और जहां शहर में ईद का जश्न मनाया जा रहा था और पुलिस के द्वारा कोई भी दुर्घटना ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। उसी बीच कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिवाजी पुतला से लेकर गणेश पेट की ओर जाने वाले रोड पर 10 से 10:15 के बीच ये वारदात घटित हुई। मृतक शानू नासिर खान ये एक कुख्यात आरोपी है, जिसे पुलिस द्वारा कुछ समय पहले ही तड़ीपार किया गया था। इस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही थी। शानू ने आरोपी के भाई प्रवीण घाटी पर आपसी विवाद के चलते 2019 में मारने का प्रयास किया था, जिसमें प्रवीण बच गया था। उसके बाद फिर वर्ष 2020 में पार्टी थाना अंतर्गत शानू ने प्रवीण पर फायरिंग की, जिसमें भी प्रवीण बच गया था। इसके बाद एक महीने पहले शानू को तड़ीपार कर दिया गया। हालांकि ईद मनाने के लिए शुक्रवार की सुबह अपने घर आया था और आरोपी उसके आने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने शानू पर प्रहार कर दिया, जिससे शानू जख्मी हो गया। उस हालत में भी उसने आरोपियों पर वार करना चाहा, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अधिक जानकारी साझा की। कोतवाली पुलिस स्टेशन के शिवाजी पुतला से लेके गणेश पेट के ओर जाने वाले रोड पे आज सुबह 10 से 10:15 के करीब एक हत्या की घटना हुई है। इसमें एक मृतक जो है शाहनवाज जो एक्सटर्नमेंट जो तड़ीपार हुआ सो आरोपी था उसका और कुछ लोगों का कुछ वाद हुआ और उस वाद में से उसकी हत्या हुई, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है। संशयित आरोपी जो है वो पुलिस ने उनको ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है अभी, और आगे की पूछताछ चल रही है कि किस वजह से उन्होंने उसकी हत्या की और पूरी घटना क्या हुई है। अभी फिलहाल जो है दो आरोपियों को जो घटनास्थल पे थे उनको पकड़ा गया है। आगे की जानकारी उनसे पूछताछ करने के बाद ही पूरी डिटेल्स होगी। किसको अरेस्ट किया गया है, जो संशयित अक्यूज़ उनको अरेस्ट किया गया। हत्या जो है अभी जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी और जानकारी के अनुसार स्टैबिंग जो हुआ है, चाकू से मार के हत्या हुई ऐसी सामने आई। इसमें कोई फायरिंग हुआ ऐसा कोई सामने नहीं आया और ऐसी कुछ घटना नहीं हुई फायरिंग। पुलिस ने इस मामले में दो संशयास्पद आरोपी सौरभ घाटे और अरशद शेख वल अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।